हमने मायावती जी को मैसेज दिया अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। जिन लोगों ने, कांचीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की उसको जगाया, कांग्रेस का नुकसान हुआ वो अलग बात है, मगर उस आवाज को जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं, खुला रास्ता दे दिया। क्यों? सीबीआई, ईडी, पेगासस, लड़ाई सिर्फ मुझे ये मालूम हुआ है कि कल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने हमारी पार्टी व खासकर पार्टी के मुखिया को लेकर जो कुछ टीका टिप्पणी की है तो उससे इस पार्टी की विशेषकर दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ साथ बीएसपी के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता तथा द्वेष की भावना भी साफ झलकती है, जबकि इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बीएसपी पूरे जी जान से लगी है और जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपने लंबे अरसे के रहे शासनकाल में इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए जमीनी हकीकत में कुछ भी ठोस कदम नहीं उठाए। साथ ही इनके मत का सरकारी पैसा भी अपने लंबे अरसे के रहे शासनकाल में इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए जमीनी हकीकत में कुछ सुविधाओं का भी पूरा लाभ नहीं दिया, ताकि ये लोग आर्थिक तौर पर हमेशा दूसरों के ऊपर ही निर्भर बने रहे, जिससे दुखी होकर फिर बहुत पहले ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इनकी केंद्र की रही सरकार से अपने कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा तक भी दे दिया था और फिर इनके बताए हुए रास्तों पर चलकर माननीय श्री कांचीराम जी ने बीएसपी की स्थापना की, जिसको कमजोर व खत्म करने के लिए शुरू से ही कांग्रेस पार्टी हर घिनौने हथकंडे इस्तेमाल कर रही है और अब तो खिसियानी बिल्ली खम्बा लोचे की तरह ही इस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अपने बिखरे हुए घर को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, बल्कि हमारी पार्टी बीएसपी की कार्यशैली पर जबरदस्ती की उंगली उठा रहे हैं, जिससे बीएसपी के प्रति इनकी जबरदस्त बौखलाहट व नफरत आदि भी साफ नजर आती है। इतना ही नहीं बल्कि इससे पहले इनके पिता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने भी बीएसपी को बदनाम व कमजोर करने के लिए माननीय श्री कांचीराम जी को सीआईए का एजेंट तक भी बता दिया था और अब इन्हीं के ही चिन्हों पर चलकर इनका बेटा श्री राहुल गांधी भी बीएसपी व इस पार्टी की मुखिया पर आए दिन बीजेपी के साथ मिलने का ये कहकर गलत आरोप लगाते रहते हैं। सीबीआई, ईडी व इनकम टैक्स आदि से डरती है, इसलिए वह बीजेपी के खिलाफ काफी नरम रुख रखती है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, जबकि इनको ये मालूम होना चाहिए कि इन सबसे जुड़े मामले
हमने केंद्र में रही किसी भी पार्टी की सरकार की मदद से नहीं बल्कि सभी सरकारों के खिलाफ जाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जीते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी का कल सार्वजनिक तौर पर ये कहना कि कांग्रेस द्वारा यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन करने व मुझे सीएम बनाने के ऑफर पर मैंने ना कोई जवाब दिया बात तक भी नहीं की है, ऐसा उनका कहना है। ये बात पूर्णतः गलत है, तथ्यहीन है, अर्थात इसमें रत्ती भर भी कोई सच्चाई नहीं है। जबकि यूपी विधानसभा चुनाव के घातक नतीजों पर हर विपक्षी पार्टियों द्वारा समीक्षा होनी चाहिए, किंतु ऐसी तथ्यहीन बातें नहीं करनी चाहिए। वैसे भी कांग्रेस को विपक्षी पार्टियों में से खासकर बीएसपी व उसके नेतृत्व के बारे में कोई भी टीका टिप्पणी करने से पहले सौ बार सोच समझ कर लेना चाहिए कोई भी टीका टिप्पणी करने से पहले कि बीजेपी से लोहा लेने के मामले में उसका अब तक अपना रिकॉर्ड क्या रहा है कांग्रेस पार्टी का। साथ ही बीएसपी व उसके नेतृत्व के साथ कदम कदम पर राजनीतिक षड्यंत्र धगा व खासकर मध्य प्रदेश व राजस्थान आदि राज्यों में बार बार विश्वासघात किए जाने आदि को थोड़ी देर के लिए भुला भी लिया जाए तो भी बीजेपी के विरुद्ध राजनीतिक लड़ाई लड़ने में कांग्रेस का अपना रिकॉर्ड हमेशा काफी लचर व ढुरमुर ही रहा है, अर्थात कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहते हुए व सत्ता से बाहर हो जाने के लंबे समय बाद अब तक बीजेपी व आरएसएस एंड कंपनी से जी जान से लड़ते हुए हमें कहीं भी नजर नहीं आती है। जबकि बीजेपी एंड कंपनी के लोग साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे अपनाकर भारत को कांग्रेस मुक्ति ही नहीं बल्कि विपक्ष विहीन बनाकर पंचायत से संसद तक चीन जैसा ही एक पार्टी सिस्टम बनाकर देश के लोकतंत्र व इसके संविधान को ही खत्म कर देने पर आतुर लगती है। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के बारे में भी हमारे लोग ये बात काफी अच्छी तरह से जानते हैं कि जब सन 2007 में बीएसपी की यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी तो तब उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी जिसने जातिगत द्वेष की भावना से मेरी सरकार के केंद्र से जुड़े ज्यादातर कार्य रोक दिए थे और उसी दौरान कोर्ट का अयोध्या को लेकर फैसला आना था तो इन्होंने केंद्र से हमें फोर्स तक भी नहीं दिया था ताकि प्रदेश के हालात बिगड़ जाए और फिर इसके आड़ में यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाकर पर्दे के पीछे से कांग्रेस पार्टी या अपनी हुकूमत चलाती रहे। ये इनकी मनसा थी सब जिसमें भी ये पार्टी पूरी तरह से विफल रही। इतना ही नहीं बल्कि खुद श्री राहुल गांधी ने भी उस समय आए दिन यहाँ यूपी में मेरी सरकार को जबरदस्ती बदनाम करने के लिए कभी पैदल मार्च किया, आप लोगों को मालूम है जब मेरी सरकार थी कभी पैदल मार्च किया तो कभी धरना प्रदर्शन आदि भी खूब किया, लेकिन यहाँ दूसरी पार्टियों की रही सरकारों में इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ मैं इस बात को फिर से दोहराना चाहती हूँ कि इनको हमारी पार्टी के बारे में कुछ भी कहने से पहले केवल अपना खुद का घर भी जरूर देख लेना चाहिए जो बिखरा पड़ा है जिसका बीजेपी भी खूब फायदा उठा रही है, अर्थात इनको दूसरों की चिंता करने की बजाय अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए तो ये उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा, ये मेरी इनको सलाह भी है। जहां तक यूपी में अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के आए नतीजों का सवाल है तो इस चुनाव में इस बार जिन कारणों से बीएसपी का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है वो मैंने 11 मार्च को मीडिया में सही सही बता दिया है और उन कारणों को भी
तब इनको बीएसपी पर कोई टीका टिप्पणी आदि करनी चाहिए। इसके साथ ही यहाँ मैं इनको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी का कार्य करने का तरीका अलग है, उसे हम किसी के भी कहने से बदलने वाले नहीं है। चाहे कांग्रेस बोले, चाहे बीजेपी बोले, चाहे सपा बोले, हमारा कार्य करने का तरीका अलग है, उसे हम किसी भी कीमत पर या किसी के कहने से हम बदलने वाले नहीं है। विस्तार से जैसे कांग्रेस पार्टी का अपना काम करने का तरीका है, कोई मामला होता तो गली कूचों में चले जाते हैं, चौराहों पर बैठ जाते हैं, बस व घाट यात्रा निकालकर किस्म किस्म के नाटक आदि करते रहते हैं। ये हमारी पार्टी नहीं करती है। इसके साथ ही संसद में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी अचानक उठकर जबरदस्ती प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गले चिपक जाते हैं, तो ये सब हमारी पार्टी नाटक नहीं करती है, जिसकी पूरे देश व दुनिया में भी काफी हंसी हुई है। अर्थात ये सब हमारी पार्टी की कार्यशैली नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ मैं कांग्रेस को ये भी याद दिलाना चाहती हूँ, कांग्रेस ने पिछला विधानसभा का आम चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ा था, तो तब ये पार्टी यहाँ बीजेपी को सत्ता में आने से नहीं रोक पाई थी। ऐसा क्यों हुआ, इसका भी जवाब जनता को इनको जरूर देना चाहिए। इसलिए अब संक्षेप में मेरा ये कहना है, कांग्रेस हो या अन्य कोई भी पार्टी हो, इनको दूसरी पार्टियों पर कुछ भी कहने से पहले खुद भी अपने गृह वालों में जरूर झांक कर देखना चाहिए, तो ये इनके लिए ज्यादा बेहतर होगा।